ओसीडी से मुक्त होने का सूत्र आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, ईबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओसीडी से मुक्त होने का सूत्र। आज के इस वीडियो में एक ही सूत्र दूंगा, बिल्कुल छोटा सा वीडियो है और एक सूक्ष्म सी टेक्निक दूंगा। इसको अगर आपने समझ लिया आपकी ओसीडी समाप्त हो जाएगी। ओसीडी से मुक्त होने का सूत्र आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। बहुत सारे लोग बहुत बार मेरे से सवाल पूछते हैं कि सर आप मुझे कोई ऐसा सूत्र दीजिए जिसको मैं समझ सकूं। मैं उनको बोलता हूं आप अपना नजरिया चेंज कर दीजिए, अपना नजरिया चेंज कैसे करें। और ओसीडी वालों का तो होता ही नहीं है, आपको नहीं पता है ये होता है वो होता है, इसके अंदर ये हो जाता है वो हो जाता है। मुझे सब पता है ये हो जाता है, मैं मानता हूं। इसको चेंज कौन करेगा, आप ही करोगे ना। अभी 5 दिन पहले कैंप चल रहा था ऑफलाइन में, तो मैं वहां पे था। तो वो व्यक्ति ने बोला कि आप तो इतनी जल्दी जल्दी ओसीडी ठीक कर देते हो, कुछ मेरा भी करो। मैं उनको एक कमरे में ले गया, बाहर एक हॉल था, बिल्डिंग थी, फिर उसके अंदर एक हॉल था, फिर उसके बिल्कुल नीचे उतर करके एक कमरा था। तो उसके अंदर लाइट वगैरह तो मैंने नहीं जलाया, मैं उनको सीधा ही ले गया। सीधा लेकर जाने के बाद में मैंने उनको बोला कि नाम तो इधर नहीं लूंगा मैं उनका, कि सर अब आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे तो सिर्फ सुनाई दे रहा है। मैंने कहा सुनाई को छोड़ दो, बस दिखाई बताओ क्या दे रहा है। कहते कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मैंने कहा क्यों, कहते अंधेरा है। मैंने कहा सोच लो क्या दिखाई नहीं देता। कहते अंधेरा है तो कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा है, क्या बताऊं। मैंने कहा एक बार और सोच लो। कहते कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, अंधेरा दिखाई तो दे रहा है आपको, ठीक है ना, अंधेरा दिखाई तो दे रहा है आपको, बस इतना सा सूत्र है, इसको ही तो समझना है। अंधेरा दिखाई दे रहा है, पहले आप बोल रहे हो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा और मैं बोल रहा हूं आपको अंधेरा दिखाई दे रहा है। ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि बस नजरिया ही तो बदला है और तो कुछ नहीं किया। यही काम ओसीडी में करना है, नजरिया ही बदलना है। अब मन में डाउट उठ गया कि बोलना इतना आसान है, इधर करना बहुत मुश्किल। ये जो शब्द आया ना, क्या क्या आया, करना बहुत मुश्किल है, जिसके ऊपर बीते उसको पता चले, इधर बैठ करके ज्ञान देने से कुछ नहीं होता। यही चीज है जो आपको ठीक नहीं होने देती, बस नोट कर लो इसको अभी के अभी। यही बात है आपकी, आपके ऊपर तरस खा जाती है। यही बात है आपकी जो आपको कहती है नहीं तू लाचार है, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती। ये है वो बातें, ये आपका सेफ जोन, ये है आपका पिंजरा, ये आपका सेफ जोन जिसके अंदर आप रहना चाहते हो, इससे बाहर नहीं निकलना चाहते। क्यों नहीं निकलना चाहते, अपनी ओसीडी को ठीक नहीं करना चाहते। जिसको करना है वो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। करना चाहते हो प्रण लीजिए, कितने लोगों ने प्रण ले रखा है मुझे कमेंट करके बताओ कि कितने लोगों ने प्रण ले रखा है कि मुझे अपनी ओसीडी को ठीक करना है, मैं भी तो देखूं। और जिसने लिखित में ले रखा है ना प्रण, सिर्फ वही लोग मुझे यस लिखें। मन में सोचा हुआ बोला हुआ वो मान्य नहीं होता, जो आपने लिख करके रखा हुआ है ना कि हाँ मैंने प्रण ले लिया कि मैं इतने टाइम में ठीक होऊंगा या इसको ठीक करने के लिए ये प्रयास करूंगा, कितने लोगों ने लिखित में ले रखा है। नहीं ले रखा, नहीं ले रखा, मैं बता रहा हूं नहीं ले रखा। कौन लेगा, कौन लेगा प्रण, आपने प्रण ही नहीं किया कि मुझे ठीक होना है तो आप ठीक कैसे होगे। गारंटी है आज एफर्ट डालोगे कल डालोगे नहीं डालोगे, नहीं है ना, यही बात है, इसको समझ लीजिए आप। समझे कि नहीं समझे, आई होप आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आज की यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।